नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से प्रवासी मजदूरों को राहत मिलेगी। तो सरकार ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के 107 शहरों में बनाए गए 1.8 लाख मकान तैयार हैं और ये मकान प्रवासी मजदूरों को किराए पर दिए जाएंगे। जी हाँ, सरकार ने प्रवासी मजदूरों को सस्ता किराए का मकान ना मिलने की मुश्किल को देखते हुए ये फैसला लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसे आपको पता है शहरों में कुछ घर बन के तैयार है, अन्य योजनाओं में 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान यानी 1 बेडरूम किचन, इतने फ्लैट्स तैयार है। इन फ्लैट्स को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का फैसला किया है और अभी 1,08,000 तैयार है 107 शहरों में, यानी एवरेज पकड़ोगे तो 1,000 हर शहर में है। वहां की कॉरपोरेशन किराए पर देगी और दूसरा भी उसका हिस्सा है कि किसी की व्यक्तिगत जमीन है या कॉरपोरेशन अपनी जमीन पर कुछ करना चाहता है, सरकार अपने जमीन पर करना चाहती है, तो यह आवास योजना चलेगी और उसके लिए 50% FSI या FIR कहते हैं अलग अलग शहरों में, तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स कहीं 1 होता है, कहीं 2 होते हैं, कहीं 3 होता है, वो 50% ज्यादा मिलेगा। कल्पना यह है कि लाखों घर बने और पहले चरण में और 1,15,000 घर ऐसे बनेंगे जो 1 बेडरूम किचन होंगे और उसके साथ साथ पहली दफा 6-6 लोगों के लिए डॉर्मेटरी भी बनेगी। आपको मालूम है अनेक कर्मचारी, अनेक मजदूर एक रूम में 8-8, 10-10 मजदूर रहते हैं, उसके जगह 3 पायदान पर उनको ठीक रहने की व्यवस्था हो, तो ये डॉर्मेटरीज भी बनेंगे और ये भी 1,35,000 लोगों को अकोमोडेट करेगा। तो कुल मिला के आज की योजना है वो लगभग 4 लाख के आसपास लोगों की व्यवस्था करेगी, 3.5 लाख लोगों की। लेकिन ये स्कीम लगातार चलती रहेगी या बढ़ती रहेगी और इसमें 25 साल की ये एक तरह से उसको किराए पर मिलता रहेगा और मजदूर बदलेंगे तो भी किराया का नाम नया आएगा। तो ये काम पर जो मजदूर आते हैं उनके लिए ये एक व्यवस्था, किराए पर मकान नहीं मिलता था, सस्ता नहीं मिलता था, अब सस्ता मकान मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने ऐलान किया है कि अगर कोई प्रवासी श्रमिक अपने घर से वापस अपने काम की जगह पर जाता है तो उसे भी सरकार की ओर से गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जाने वाला राशन भी मिलेगा।